हेलो फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेशन में हम सीखेंगे कि एलजेब्रा पर बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है सबो, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक्स पावर 189 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 189 इक्वल्स टू 5। आपको बताना है एक्स पावर 189 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 189 की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकेंड से कम में देना है तो आप कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके पीछे का मेथड। तो आपको पता है कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के, ये आपको ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, और आपको x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू पता करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट x माइनस 1 बाई एक्स। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो ये मुझे मिलेगा x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, एक्स 1 बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 2, दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो मतलब मुझे यहाँ से मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अगर मैं यहां पर स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? वो है के स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, के स्क्वायर माइनस 2 मैंने यहां पर पुट कर दी और ऑलरेडी एक माइनस 2 यहां पर है, तो के स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 यानी कि के स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, के स्क्वायर माइनस 4, जब x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4 है तो x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया था? आपको दिया गया था x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के, और आपने क्या निकाल लिया? x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आपको दिया जाए x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के और आपको निकालना है x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर सेम मेथड लगाते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, राइट। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहां से मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहां पर एक साइड स्क्वायर करते हैं तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट करूंगा के स्क्वायर प्लस 2, और ऑलरेडी एक 2 यहां पर है तो ये हो गया के स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4, यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई रूट के स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया था? हमें दिया गया था x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के, तो हमने निकाल लिया x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 4। तो फ्रेंड्स, हमने यहां पर दो रिजल्ट निकाले। पहला रिजल्ट है कि अगर हमें x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू दी गई हो k के बराबर तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 4, एंड इफ हमें अगर हमें दिया गया है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के तो x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 4। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ पर अगर प्लस है तो बीच में प्लस, यहाँ पर अगर माइनस है तो बीच में माइनस, और स्क्वायर रूट के स्क्वायर 4, ये तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं जो हमने क्वेश्चन इनिशियली लिया था कि हमें दिया गया था x पावर 189 प्लस 1 अपॉन x पावर 189 इज इक्वल टू समथिंग, लेट्स से 5। ठीक है, हमें निकालना है x पावर 189 माइनस 1 अपॉन x पावर 189। तो हम एक सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसको y मानेंगे तो ये y प्लस 1 अपॉन y हमें दिया गया है, हमें y माइनस 1 अपॉन y निकालना है। तो अगर हमें y प्लस 1 अपॉन y दिया गया हो और y माइनस 1 अपॉन y निकालना है तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू है 5,
तो 5 स्क्वायर माइनस 4, 25 माइनस 4 इज 21, सो द आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 21, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको दिया गया है, लेट्स से आपको दिया गया है x पावर 25 माइनस 1 अपॉन x पावर 25 इज इक्वल टू 6, ठीक है, और आपसे पूछा गया है x पावर 25 प्लस 1 अपॉन x पावर 25 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, जब हमें y माइनस 1 अपॉन y की वैल्यू दी गई है, दैट इज k, तो y प्लस 1 अपॉन y की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 4, तो यहां पर k की वैल्यू क्या है 6, तो आंसर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 4, यानी कि 36 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 40। सो फ्रेंड्स, इस सेशन में हमने सीखा कि अगर आपको x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू दी जाए और आपको x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालें, या फिर x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू दी जाए और x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालें, आप आंसर इस मेथड से 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।